हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे यार सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। एंड सेल वॉल इज मोस्टली सीन इन दी प्लांट सेल्स, फ्यू फंगस एंड फ्यू बैक्टीरिया। तो हम सबकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे एंड ऑल्सो वी विल सी कि सेल वॉल बनती कैसे है, हाउ इज सेल वॉल फॉर्म्ड इन सेल विच हैज जस्ट डिवाइडेड। ओके, सो लेट्स रेफर टू सेल वॉल एंड यू कैन ओपन योर एनसीईआरटी पेज नंबर 94, जहाँ पे ये क्लियरली डिटेल में given है। I have picked up the lines from there only. So as you may recall, a non-living rigid structure. Why non-living? Because it is dead. It is very thick. It is hard. ठीक है? So non-rigid structure called cell wall forms an outer covering of for the plasma membrane of fungi and plants. I told you कि ये किसमें present है? Plants में, कुछ fungus में, and in some bacteria also. So we can see cell wall over there. Just plasma membrane के बाहर भी एक covering बनाती है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल, वो ना ही तो सेल को शेप देता है, उसको प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। कि बाहर से कोई भी डैमेज अगर प्लांट को हो रहा है तो सेल वॉल बीच में दीवार की तरह खड़ा है कि मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। ऑल्सो वो उसको किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, लेकिन वो सेल टू सेल की इंटरेक्शन में भी मदद करता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब कोई चीज एक सेल से दूसरे सेल में जानी है तो उसमें भी सेल वॉल हेल्प करता है और बीच में जंक्शंस बनवाने में मदद करता है, ठीक है, ताकि जो डिजायरेबल अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो ट्रांसफर ना हो पाए, वहां वो रिजिड हो जाता है, और जो चीज जानी चाहिए उसको जाने में मदद करता है। लेकिन कैसे, हाउ? एल्गे के अंदर सेल, पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की कॉम्पोजिशन की, कि सेल वॉल बनी किस किस चीज की हुई है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्गी की। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, एल्गे में बना है सेल्यूलोस का, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्गे की सेल वॉल किस किस चीज की बनी हुई है। देन व्हाइल इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट्स ऑफ सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस, पेक्टिन्स एज वेल एज प्रोटीन्स। सो ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा पूछा जाता है कि प्लांट की सेल वॉल कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स की बनी हुई है, सेल्यूलोस की, हेमीसेल्यूलोस की, पेक्टिन्स की, प्रोटीन्स की, राइट। वेर एज यहाँ पे शुगर के काफी फॉर्म्स यूज होते हैं, जैसे गैलेक्टिन्स, मैनन्स, मिनरल्स, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, जो एक यंग प्लांट सेल होता है उसका जो सेल वॉल है, that the primary wall is capable of growth which gradually diminishes as the cell matures and the secondary wall is formed on the inner towards membrane side of the cell. Now let me explain you the situation. Yahan pe baat kari hai cell division ki. For example, this is one cell. Ye plasma membrane hai. Ye bahar cell wall hai. Theek hai? This is the plasma membrane. This is the cell wall. अब जो nucleus है वो divide हो चुका है दो में। सबसे पहले nucleus divide होता है, तो nucleus divide हो चुका है और अब शुरू हुई है cell wall की differentiation. तो cell wall की differentiation में क्या होता है कि सबसे पहले अपने आप को कुछ spindle fibers यहाँ आके arrange कर लेते हैं और बीच में deposition हो जाती है Golgi की, ठीक है। Golgi क्या secrete करने लगते हैं? Golgi secrete करने लगते हैं pectin और यहाँ पे बना देते हैं मोटी pectate wall. सॉरी, ठीक है, तो डिवीजन स्टार्ट हो गया। दिस इज द पेक्टेट वॉल जो हमारी गॉल्गी ने बना दी। अब जैसे ही पेक्टेट वॉल बन जाती है तो स्लाइड डेपोजिशन शुरू हो जाता है सेल्यूलोस का और ये बनाता है, ये बिल्कुल स्लाइड डेपोजिशन है, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल। लेटर ऑन जैसे सेल मैच्योर करता है, दिस प्राइमरी सेल वॉल ग्रोस फर्दर एंड ट्राइज टू फॉर्म अ थिक वॉल, जिसे हम कहने लग जाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, वी कॉल इट एज सेकेंडरी सेल वॉल। तो जो मैंने ये बनाया है, दिस इज द सेकेंडरी सेल वॉल, ये हमारा सेल है जिसके अंदर ऑलरेडी क्या बननी शुरू हो गई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल ने अलग होना है। और जो ये सेकेंडरी वॉल बनी है, मैं ब्लू से कर देती हूँ, दिस सेकेंडरी वॉल हैज ऑल्सो स्टार्टेड फॉर्मिंग अराउंड इट। तो बेसिकली ये जो सेकेंडरी वॉल है, ये नए सेल की क्या बन जाएगी, सेल वॉल, और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ऑटोमेटिकली बन ही रही है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि सेल वॉल कैसे बनती है, राइट। सो अब ये दो सेल्स बन गए और अगर अब इन दो सेल्स को इंटरैक्ट करना है तो इन्हीं के बीच में से निकलते हैं ऐसे चैनल्स, इन चैनल्स को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, जो पेक्टेट वॉल और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में से क्रॉस करके दो सेल्स की इंटरेक्शन में मदद करते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से एक सेल से दो सेल्स बनते हैं एंड सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की डेपोजिशन हो जाती है।
करेक्ट. सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है दैट द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है विच इज केपेबल ऑफ ग्रोथ, फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वो किस में बन जाती है, सेकेंडरी वॉल में. वो सेकेंडरी वॉल कैसे बनती है, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, उसी की तरफ बन रही है. करेक्ट. मिडिल लैमेला, अच्छा वन मोर थिंग, ये जो बन रहा है इसे हम नाम दे देते हैं मिडिल लैमेला. ठीक है जी, दिस वी नेम इट एज मिडिल लैमेला. द मिडिल लैमेला इज अ लेयर विच इज मेनली कंपोज ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, अभी पढ़ा हमने पेक्टेट डेपोजिशन हो जाती है, विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टूगेदर वाया प्लाज्मोडेस्माटा. सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला, जो सेल वॉल है और जो मिडिल लैमेला है, दे मे बी ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा. कौन सी सेल वॉल, प्राइमरी. ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लैमेला के बीच में से क्या गुजरते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, जो दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं एंड दे हेल्प इन देयर इंटरेक्शन फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ मटीरियल्स. ओके, सो दिस वाज अबाउट द सेल वॉल, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कि वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस किस की बनी हुई है, प्लस एक नए सेल में कैसे न्यू तरीके से सेल वॉल बनती है और दो सेल्स के बीच में इंटरजंक्शन किस तरीके से फॉर्म करती है. ठीक है, ये यूकैरियोटिक के सेल मेम्ब्रेन्स एंड सेल वॉल्स तक की डिटेल्स थी. फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द यूकैरियोटिक सेल. ओके गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे विद मी फॉर मोर वीडियोस.